नमस्कार। एक शोध आया है, शोध पत्र, और उसमें यह कहा गया है कि भारत विश्व का सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रदूषण यानी पॉल्यूशन पैदा करने वाला राष्ट्र बन चुका है। माना जाता है कि जितना भी प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है उसमें पांचवा हिस्सा भारत का ही। आप पांच हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए प्रदूषण को, प्लास्टिक पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स को, और उसमें जो हर फिफ्थ हिस्सा जो है वो भारत का। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ जो लीड्स है उसके रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कहा गया। और इस ढंग से भारत विश्व का प्लास्टिक पॉल्यूशन कैपिटल बन गया है। एक बात और भी जानने योग्य है, लीड्स यूनिवर्सिटी ने जो शोध किया अपना उसमें उन्होंने बाकायदा कहा कि पूरे ग्लोबली स्तर पर यदि कहा जाए, ग्लोबल स्तर पर, तो पूरा विश्व में लगभग 251 मैट्रिक टन के आसपास प्लास्टिक कचरा पैदा होता है या उसका उत्पादन होता है यदि सिंपल में कहूं। यह लगभग माना जाता है कि जो ओलंपिक जो हुआ अभी हाल में और उसमें जो स्विमिंग पूल होता है, 2 लाख ओलंपिक स्विमिंग पूल को भरने के लिए काफी है। अब आप सोच सकते हैं कितना प्लास्टिक कचरा हर साल वैश्विक स्तर पर पैदा किया जा रहा है और उसमें भारत का पांचवा हिस्सा तो भारत का ही। और इसी कारण से यह न्यूज उस दौर में आया है जिस दौर में प्लास्टिक पॉल्यूशन से निपटने के लिए विश्व एक पहल कर रहा है, एक इनिशिएटिव उठाया हुआ। इनिशिएटिव उठाया गया था लगभग कहा जाए तो 2002 में। 2002 में जब यूएन का पर्यावरण सभा हो रहा था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल जो असेंबली था वहां का अंतिम सत्र चल रहा था और उसी में यह बोला गया, 2022 की बात मैं कह रहा हूं, कि एक संधि, एक ट्रीटी लाई जाए प्लास्टिक पॉल्यूशन पर और वह ट्रीटी का नेचर कैसा हो, उसका स्वरूप बाइंडिंग हो, बाध्यकारी हो, और उस पर सहमति भी बन गई 2022 की बात। और माना जाता है यदि यह समझौता हो जाएगा तो यह 2015 का जो पेरिस समझौता है शायद उससे बड़ा या उसके समतुल्य, उसी के इक्विवेलेंट एक बहुत बड़ा समझौता माना जा सकता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 2022 मार्च का समय था और फिफ्थ सेशन चल रहा था यूएन एनवायरमेंट असेंबली का, उसके रेज्यूम होने पर यानी समाप्ति के अवसर पर एक हिस्टोरिक रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया और उसमें कहा गया कि एक लीगली बाइंडिंग एक इंस्ट्रूमेंट तैयार हो प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए और साथ साथ मैरिन एनवायरमेंट के लिए। इस रिजोल्यूशन को 5/14 रिजोल्यूशन भी नाम से जाना जाता है और इस रिजोल्यूशन को जो लाया गया है यह यूएनईपी प्रोग्राम के द्वारा लाया गया, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंतर्गत यह रिजोल्यूशन 5/14 लाया गया और इसी के अंतर्गत वो बाइंडिंग लीगल जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो तैयार होगा, यानी इसी के द्वारा। ये जो यूएनईपी है, ध्यान रखेंगे, जिसने इस रिजोल्यूशन को लाया 5/14, यह एक इसी के अंतर्गत क्या हुआ, एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमिटी बनाई गई, INC, ध्यान दीजिएगा, एक इन्वायरमेंटल नेगोशिएशन कमिटी बनाई गई है जो लगातार बात कर रही है। मकसद क्या है? मकसद है कि जो मार्च में रिजोल्यूशन पास किया गया कि लीगल बाइंडिंग एक फ्रेमवर्क तैयार हो, एक है ना इन्वायरमेंट प्लास्टिक पोल्यूशन पर, उसके लिए कमिटी बनाई जाए। कमिटी इसने बनाया इस रिजोल्यूशन के अंतर्गत, लेकिन इसमें बाकायदा ये कहा गया है, ध्यान रखेंगे, कि 2024 तक लास्ट तक, 2024 के लास्ट तक इसका पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो जाए। अभी तक यदि मैं आपसे कहूँ, ध्यान रखिए आप बात को, यही है वह यूएनईपी का जो लाया गया है 5/14, ये बेसिकली लाया गया है इन प्लास्टिक पॉल्यूशन टुवार्ड्स एन इंटरनेशनल लीगल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट, यही यूएनईपी के रिजोल्यूशन में लाया गया। और इस पर जो कमिटी बनी, जो इंटर गवर्नमेंटल कमिटी बनी सब देशों को मिलाकर, वो बताया जा रहा है कि 2022 में ही जो दूसरी छमाही थी वहां पर से यह शुरू हुआ और कोशिश करना है कि 2024 के अंत तक ये वार्ता पूरी हो जाए। फर्स्ट सेशन जो इसका हुआ था INC का, इंटर गवर्नमेंटल कमिटी का, वह हुआ था उरुग्वे में नवंबर में 2022 में,
उसके बाद जो सेकेंड सेशन हुआ ये पेरिस में हुआ जून 2023 में, फिर ध्यान रखेंगे, फिर इसका जो थर्ड सेशन हुआ यह हुआ मिड पॉइंट बेसिकली नवंबर में हुआ था 2023 में, नैरोबी में, मतलब जून में भी हुआ 2023 में और नैरोबी में हुआ नवंबर में जो 2023 में, यानी 2023 में दो हो गए। फिफ्थ सेशन जो हुआ यह हुआ है बाकायदा, सॉरी फोर्थ सेशन जो हुआ वो अप्रैल में हुआ ओटावा में कनाडा में, जो अभी हाल ही में समाप्त हुआ 23 अप्रैल से 29 अप्रैल 2024 में। पांचवा होने वाला है कोरिया में दिसंबर 2024 में, और इसी में प्लास्टिक पॉल्यूशन से निजात की बात की जा रही है और एक लीगल बाइंडिंग फ्रेमवर्क तैयार होगा जिस जो सभी देशों पर बाध्यकारी होगा। और अभी ये दौर की वार्ता चल रही है और लीड्स का आ गया, लीड्स विश्वविद्यालय ने बकायदा जो कहा मैंने कह दिया कि 251 मैट्रिक टन प्लास्टिक कचरा आ रहा है जो 200,000 ओलंपिक स्विमिंग पुल के बराबर है। इसमें से एक बात ध्यान रखेंगे, एक बहुत बड़ा जो प्लास्टिक कचरा है वह एक तरह से कहा जाए वो सीधे पर्यावरण में क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। जब आप जलाते हैं, आपका वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो सीधे वो पर्यावरण को अफेक्ट करता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका है। यहां पर ध्यान रखेंगे भारत के विषय में जो लीड्स ने कहा वह इसको देखिए कि हर साल भारत 5.8 मिलियन टन का प्लास्टिक जलाता है या और मलबे के रूप में पर्यावरण, भूमि, वायु, जल में लगभग 3.5 मैट्रिक टन प्लास्टिक छोड़ देता है। मतलब 5.8 तो वो जला रहा है और 3.5 मैट्रिक टन क्या है वह मलबे के रूप में ही पर्यावरण में छोड़ देता है, भूमि, वायु और जल में वो जाकर के मिल जाता है। यदि सब मिलाकर कहा जाए तो 9.3 प्लास्टिक प्रदूषण में मैट्रिक टन में भारत का ही योगदान है, इतना है। यह यदि कहा जाए तो नाइजीरिया, इंडोनेशिया और चीन, इन सबको यदि मिला दिया जाए तो उससे भी ज्यादा है। अब चीन का आप सोच सकते हैं 2.8 मैट्रिक टन ही है जो मैनेज नहीं किया गया, उसका अच्छा से प्रबंधन नहीं किया गया। जलाना प्रबंधन नहीं होता, याद रखेंगे, यदि आप वेस्ट मैनेजमेंट पर आते हैं प्लास्टिक के वेस्ट मैनेजमेंट पर, तो जलाना एक नहीं है बल्कि वो तो बहुत ही है ना, कहा जाए बहुत हार्मफुल गैस को छोड़ता है वातावरण, ठीक है। आगे देखिए, या तो यदि मैं कहूं कि भारत में एक बहुत बड़ा 9 point something जो था प्लास्टिक जो है वो एक तरह से कहा जाए कि अनरिसाइकिल्ड है, तो वह जो है वो बेसिकली अनरिसाइकिल्ड या मैं कहूं कि अप्रबंधित यदि है तो उसको आप कैसे आप कैटेगरी बांटिएगा। तो एक तो हो गया जो मलबे के रूप में आपका विद्यमान है वह है, या तो आपने खुले स्थान पर उसको छोड़ दिया, और आगे चलकर क्या होता है, खुले स्थान पर होता है मलबे के रूप में ढेर बना हुआ, और खुले स्थान पर भी बहुत जगह है। अब खुला स्थान पर होगा तो वो क्या होगा, अंततः आप क्या करेंगे, आप उसे जलाएंगे, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस पैदा होगा जो हृदय रोग, श्वसन, कैंसर, तंत्रिका तंत्र आदि को प्रभावित कर सकता है। तो भारत इस प्रॉब्लम से लड़ रहा है। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वह यह है कि यह अध्ययन से यह पता चला है कि यह जो प्लास्टिक जो प्रदूषण हो रहा है इसको ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ में भी एक तरह से डिवाइड कर दिया गया। नॉर्थ मतलब जो विकसित कंट्री है, ग्लोबल साउथ मतलब जो अविकसित कंट्री है, उसमें एक तरह से डिविजन करके देखा जा रहा है। क्योंकि यह देखा गया है कि निरपेक्ष आधार पर कि जो ग्लोबल साउथ है जिसमें दक्षिण एशिया, उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया के देश आते हैं, ये ज्यादातर यही देश है जो प्लास्टिक प्रदूषण कर रहे हैं क्योंकि इनका मैनेजमेंट सही नहीं है। वास्तव में कहा गया है कि 69% ऑफ द प्लास्टिक प्रदूषण जो होता है वो केवल 20 देश इसमें आते हैं, और इनमें से कोई भी 20 देश जो आ रहे हैं इनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जो विकसित हो, या मैं कहूं कि वो हाई इनकम वाला कंट्री हो जिनका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $13,886 से अधिक, ऐसा कोई देश नहीं है। यानी मैं सिंपल कहूं कि 20 ऊंचे वाले देशों में ऐसा कोई देश नहीं है जो हाई इनकम वाले देश हो, ठीक है। और ये बताता है साफ, और इसका मतलब साफ है कि जो हाई इनकम वाले कंट्री हैं या जो विकसित कंट्री हैं वो 100% प्लास्टिक तो कर निकाल रहे हैं लेकिन उसका मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि वो पॉल्यूशन में क्रिएट नहीं हो पा रहा, ठीक है भैया, यानी उनका डिस्पोजल अच्छा हो रहा है। अब जरा आगे जरा देखिए इस बात को,
जो फॉसिल फ्यूअल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जो ईंधन वगैरह निकालते हैं वो, और कुछ इंडस्ट्री ग्रुप जिनका हित जुड़ा हुआ प्लास्टिक से, वो कहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, इसको कर्व करने की जरूरत है, इसको सही करने की जरूरत है। जबकि कुछ अफ्रीकी कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं, वो कहते हैं नहीं, सिंगल यूज जितना भी प्लास्टिक है उसको पूर्णतः बैंड कर दो, यानी प्रोडक्शन बैंड कर दो। अब क्या हो गया है, जो कमिटी बनी है यूएनईपी की, जो पांचवा अब होगा दिसंबर में, यह एक अति महत्वाकांक्षी गठबंधन बनता हुआ नजर आ रहा है। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा क्लैश हो रही है। कुछ कहते हैं कि बाकायदा इसको कह रहे हैं कि प्लास्टिक उत्पादन और प्रदूषण जो दोनों है में वृद्धि के बीच कोई संबंध नहीं है, मतलब उत्पादन और प्रदूषण के बीच कोई संबंध नहीं है। जबकि रिसर्च ये कहते हैं हाँ संबंध है, जब भी 1% प्रदूषण प्रोडक्शन बढ़ता है उससे सीधा 1% प्रदूषण भी बढ़ जाता है, प्लास्टिक प्रदूषण। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि केवल मैनेजमेंट करके आप उसको पूरा कर सकते हैं। साफ देखा गया है कि प्रोडक्शन यदि 1% बढ़ाया जाए तो उससे 1% पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है। यानी लेकिन फिर मैं आपसे कहूं कि जो बातें चल रही है उसमें अपस्ट्रीम पर ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है, जैसा सुनने में आ रहा है। अपस्ट्रीम जहां से उत्पादन होता है, डाउनस्ट्रीम जहां डिस्ट्रीब्यूशन होता है और मैनेजमेंट होता है। तो यदि अपस्ट्रीम पर फोकस नहीं किया जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं ये जो बाइंडिंग जो आ रहा है सामने, वो कितना फेवर करेगा कितना नहीं करेगा इसको भी देखना होगा। लेकिन इससे बहुत सारे रोजगार जुड़े हुए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जब अपस्ट्रीम को नहीं फोकस ज्यादा किया जा रहा है तो वाजिब बात है जो प्लास्टिक उद्योग समूह है वह इस अध्ययन का बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहा है। जो अध्ययन सामने में आ रहा है और जो रिसर्च बातें हो रही है उससे सामना अच्छा लग रहा है, और उनको यह भी लग रहा है कि बेसिकली मैनेजमेंट सही किया जाए तो पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। बहुत सारे इंडस्ट्री उद्योग हैं, उनके भी हित अपने अपने जुड़े हुए हैं। भारत को भी प्लास्टिक से अलग हट करके कुछ और सोचने की बात, थोड़ा भारत के लिए भी दिक्कत महसूस हो। इसलिए हर एक कोई अभी चाह रहा है कि नीचे एक डाउन स्ट्रीम मैनेजमेंट ज्यादा किया जाए, यानी प्लास्टिक हो उससे रोजगार भी बने लेकिन वो पॉल्यूशन ना हो जाए, उसका मैनेजमेंट इतना अच्छा हो। लेकिन आप अपनी राय जरूर दें, आप ये बताएं कि क्या केवल डाउन स्ट्रीम को सही करके सब काम हो जाएगा, या अप स्ट्रीम प्रोडक्शन जो होता है वहां पर भी चीजों को सही करने की जरूरत है। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार।